निक के अफेयर से उठा पर्दा। सपना नाम की लड़की को कर रहे हैं डेट। दलजीत कौर काफी दिनों तक चुप थी, लेकिन अब फाइनली एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी शादी टूटने की खबर लोगों तक पहुंचा दी है। अपने इंस्टा स्टोरीज के जरिए उन्होंने इनडायरेक्टली निखिल पर एक्स्ट्रा मैरिटल का आरोप लगाया है। वही अब रेडिट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने निक का चिट्टा पिट्टा खोल दिया है। उन्होंने लिखा, मैं निक को वाया वाया जानती हूँ, उनका सोशल सर्कल बड़ा है और हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं उनके फ्रेंड के कंपनी में काम करती हूँ जो नैरोबी में है। वो अक्सर हमारे ऑफिस पार्टी में आते हैं और सच कहूँ तो वो एक पार्टी एनिमल है। एक्सट्रोवर्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी हमेशा से नजर सुंदर लड़कियों पर होती है और वो उनसे फ्लर्ट करते हैं। वो शादी को लेकर सीरियस नहीं रहते थे। उन्होंने दलजीत को ओपन मैरिज के लिए कहा था, लेकिन सिंगल पेरेंट होने की वजह से दलजीत ने इस ट्रेंड को फॉलो करने से मना कर दिया। और उन्होंने दलजीत को शादी के बाद ये कहा, उनके फ्रेंड के मुताबिक दलजीत निक की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद दलजीत इंडिया आई, लेकिन निक के मनाने के बाद वो वापस लौटी। निक चीटर है, वो अपनी सी कम उम्र की लड़कियों को स्टॉक करते थे और उन्हें ड्रिंक ऑफर करते। सपना नाम की लड़की को वो फिलहाल डेट कर रहे हैं और उन्होंने उसे सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था ताकि लोगों को पता ना चले। दलजीत और निक ने अब तक डाइवोर्स नहीं लिया है, क्योंकि दोनों अपना मैटर सुलझाना चाहते थे, लेकिन निक की कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए दलजीत रेडी नहीं है। आपको बता दें, ये एक अनोनिमस रेडिट यूजर का पोस्ट है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि दलजीत ने अपनी एक पोस्ट में SN लिखा था। अब देखते हैं कि कब दलजीत खुलकर उनके और निक के टूटे रिश्ते के बारे में बात करती है। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। एंड ऑल्सो टू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।